नमस्कार दोस्तों, एजुटेक रोहित में आपका स्वागत है। दोस्तों, एमपी के मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी के जो एडमिट कार्ड से वो आ चुके हैं, और इसके लिए आपको एमपी ईएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। एमपी ईएसबी सर्च कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे एमपी ईएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर जो भी आपको लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी ठीक लगती है उस पर आपको चले जाना है। तो यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड मिडिल एंड प्राइमरी स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 23। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिंपली। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रॉस कर लेना है रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, सारे जो इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस करना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च टेस्ट एडमिट कार्ड, तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो यहाँ पे डाल देना है, मैक्सिमम 13 डिजिट्स वाला। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे आपका जो पेपर होता है वो चूज़ कर लेना है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू जो भी है। उसके बाद यहाँ पे ये जो एक क्वेश्चन दिया गया है वो सॉल्व करके यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो एमपी एमएस टीईटी का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपकी काम की होती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।